नमस्कार दोस्तों, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन डिजीज जो हम देख रहे हैं कि आज बहुत लोगों में ये समस्या हो रही है, हील स्पर, या इसका दूसरा नाम होता है कैल्कीनियल स्पर, यानी कि पैर की एड़ी की हड्डी बढ़ जाना। अगर किसी की बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा हो गई है तो यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा होने के कारण से भी हील स्पर हो सकता है, या जिनकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है या विटामिन डी की डेफिशिएंसी के साथ साथ कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, ऐसे लोगों में भी देखा जाता है कि हील स्पर होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जिनको भी हील स्पर की समस्या होती है, देखा जाता है कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स वहां डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसके कारण से हील स्पर जैसी समस्या देखी जाती है। और जिनको भी यह समस्या होती है, ऐसे व्यक्ति को बहुत असहनीय पीड़ा होती है, व्यक्ति चल नहीं पाता, और देखा जाता है कि जब व्यक्ति सोकर उठता है तो वो जमीन पर पैर भी नहीं रख पाता, इतना एक्यूट पेन होता है, इतना जबरदस्त पेन होता है, ऐसे लगता है कि जान निकल गई है। और देखा जाता है कि ये समस्या उन लोगों में ज्यादा होती है जो ओबेस है, मोटे हैं, उनमें ये समस्या ज्यादा देखी जाती है, या जो लोग ज्यादा देर तक खड़े रहते हैं, जिन लोगों का ऐसा कार्य है कि वो दिन में 8 घंटे 10 घंटे लगातार खड़े रहते हैं, जिसके कारण से भी हील स्पर की समस्या हो सकती है। जो अपने डाइट में कैल्शियम नहीं लेते, विटामिन युक्त डाइट नहीं लेते, प्रोटीन्स नहीं लेते, उन लोगों को भी ऐसी दिक्कत प्राय होती है। जो लोग हील वाले शूज पहनते हैं, या महिलाओं की बात करें, वो बहुत ज्यादा हील पहनती हैं, जिसके कारण से उनको पैर की एड़ी में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। तो ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या कुछ लोगों का ऐसा कार्य होता है जिसमें पैर की एड़ी का ज्यादा यूज होता है, वो ज्यादातर उसको रगड़ते हैं, तो उस कारण से भी हील स्पर की समस्या होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हील स्पर की समस्या हो गई है, आपकी पैर की एड़ी की हड्डी बढ़ गई है, आप डॉक्टर के पास जरूर गए होंगे, और सबसे पहले आपका एक्सरा कराया जाता है, और एक्सरा देखकर कहा जाता है कि आपके पैर की एड़ी की हड्डी बढ़ गई है। ऐसे में डॉक्टर क्या करते हैं, या तो उसमें इंजेक्शन लगाने की सलाह देते हैं, वो स्टेरॉइड के इंजेक्शन होते हैं, कुछ दिन तो आपको बहुत आराम मिलेगा, और जैसे ही उसका असर खत्म होता है दर्द वापिस हो जाते हैं। या कुछ डॉक्टर सर्जरी करने की सलाह देते हैं, जो हड्डी बढ़ गई है उसको काट देते, और कुछ लोगों को एक अलग टाइप की चप्पल आती है, वो पहनने की सलाह दी जाती है, उसमें एक होल किया जाता है जहां आप अपना पैर रखेंगे, वो जो एड़ी बढ़ी हुई है उस होल में जाती है, जिसके कारण से आपको दर्द में आराम महसूस होता है। ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों, टेम्परेरी रिलीफ आपको जरूर मिल सकता है, लेकिन जब तक उसका असर रहता है आपको आराम रहता है, जैसे ही उसका असर खत्म होता है दर्द वापस आता है। आपको आज मैं ऐसा जबरदस्त न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट सिखाऊंगा, अगर ये ट्रीटमेंट आप रेगुलर करेंगे, कुछ दिन रेगुलर ये ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपकी पुरानी से पुरानी समस्या भी, हील स्पर की समस्या 100% ठीक हो सकती है, विदाउट मेडिसिन हो सकती है। तो आइए जानते हैं कैसे करें हम हील स्पर का इलाज। आइए दोस्तों, जिनको भी हील स्पर की समस्या है, ऐसे पेशेंट को उल्टा लेटना है, पैरों के नीचे 2 तकिए लगाने, और थोड़ा सा हमें टैलकम पाउडर लगाना है, जिससे कि हम जब ट्रीटमेंट देंगे तो पैर अच्छे प्रकार से रब हो सके। देखेंगे देने का तरीका, अपने दोनों साइडों में कुर्सी रखनी है और अपने पैरों से घिसना है। देखेंगे थोड़ा प्रेशर जरूर रहता है, जिससे कि ट्रीटमेंट ठीक प्रकार से दे पाए। पूरे पैर की अच्छे से घिसाई करनी है, ऐसे ही दूसरे पैर की। पूरी हील की अच्छे से घिसाई करनी है। बहुत जबरदस्त ये टेक्निक है, बहुत अच्छा ये ट्रीटमेंट है, करते के साथ ही पेशेंट को बहुत आराम मिलता है। और सोने से पहले एक काम और कर सकते हैं, किसी बर्तन में गुनगुना पानी लें, उसमें थोड़ा सा फिटकरी या सेंधा नमक कोई भी एक चीज़ डालें, और उसमें पैर को 10 से 15 मिनट डिप करके बैठेंगे तो और भी अच्छा आराम मिलेगा, और लेटते बैठते समय पैरों को थोड़ा ऊंचा रखें। इस प्रकार से आपको ये ट्रीटमेंट करना है। दोस्तों, अभी आपने इस वीडियो में जाना कि अगर किसी को हील स्पर की समस्या हो गई है, उसके क्या कारण है, क्या लक्षण हमको नजर आते हैं, और आप ये ट्रीटमेंट रेगुलर करें,
दिन में दो बार कर सकते हैं, और अगर आप हील वाले शूज पहनते हैं, हील वाली चप्पल पहनते हैं, तो उसको आपको अवॉइड कर देना चाहिए। जब भी आप लेटे या बैठे तो आपको पैर ऊंचे रखना चाहिए, और अगर आप ऑपरेशन कराने की सोच रहे हैं तो कुछ दिन रुकें, आप ये ट्रीटमेंट जरूर लें। हो सकता है कि आप ऑपरेशन जैसी समस्या, मतलब ऑपरेशन जैसी नौबत आ गई है, उससे भी आप बच सकते, और ऑपरेशन के कारण से जो आपको आने वाली समस्याएं, आप उससे भी बच सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम लाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे।